हाय फ्रेंड्स, सो आज हम लोग मूंग की दाल का पापड़ बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ देखिए, हमने एक कप जितना मूंग की दाल को रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। जैसे मैंने आपको चने की दाल के पापड़ में बताया था, दाल का अच्छे से भीगना बहुत जरूरी है। तो आप इसको रात में भिगाने के लिए छोड़ दें, ऐसा ना सोचे कि 2-3 घंटे भिगो दें। जितना अच्छे से आपकी दाल भीगेगी ना, उतने ही अच्छे आपके पापड़ बनकर के तैयार होते हैं। इसलिए दाल को अच्छे से भिगाना बहुत जरूरी है। तब इसका हम पूरा पानी पहले निकाल देते हैं, अच्छे से धो लेंगे, और उसके बाद में एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में इसको ऐड करके जितना हो सके उतने ही पानी का यूज करें, यानी कि जितनी की जरूरत पड़े उतना ही पानी आप यूज करें। और इसको एकदम बारीक सा फाइन पेस्ट बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कंजूसी करें, अच्छे से पानी आप यूज करें, लेकिन फाइन पेस्ट बनाना है और बहुत ज्यादा पानी का आप इस्तेमाल ना करें। जो यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है, बोल में हम एक स्ट्रेनर लगा लेंगे, और जो दाल हमने पीसी है ना, ये देखिए, मैंने इस तरह पानी का यूज करके और इस तरीके की दाल का पेस्ट बनाया है। एकदम स्मूथ पेस्ट है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं है। लेकिन इस एक बार इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ना, तो अगर कोई दाल का दाना रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। अगर बीच में रह गया तो फिर हमारा पापड़ जो है वो टूट जाएगा, फटने का डर रहेगा। इस वजह से इसको स्ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और दाल को पीसते टाइम लगभग मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो पहले पूरी दाल को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। और अब जिस कप से मैंने मूंग की दाल को नापा था ना, उसी कप से मैंने आधा कप यहाँ पर लिया था चावल, और जब मैंने दाल को भिगाया था उसी वक्त मैंने चावल को भी भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो अब सेम उसी तरीके से हम पानी इसका निकाल देंगे और मिक्सी में डाल करके इसका भी एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। जितना जरूरत हो उतना ही पानी का आप इस्तेमाल करें इसमें भी। तो यहाँ देखिए, हमने पूरी दाल और चावल दोनों को पीस लिया है, और दोनों को ही हमें अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ सा हमें पेस्ट चाहिए इन दोनों का ही। तो यहाँ पर देखिए, दोनों चीजों का हमने पेस्ट बना लिया है, लेकिन ये जो बैटर है अभी गाढ़ा है, पानी का इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देते हैं दोनों ही चीजों को, और इसमें हमें जो मसाले में डाले वो हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। दाल के पापड़ में हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है। साथ ही में कुछ डाल दिए हमने रेड चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह पर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च का यूज भी कर सकते हैं, या फिर दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की मैंने कर ली है। वो मैंने इसमें आधा कप जितना पानी मिलाया था, तो वो वाली जो क्लिप है वो निकल गई है, रह गई है। तो इसलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से दिखा देती हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी वो पोरिंग कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर देखिए, कोट कर रहा है ये, लेकिन बहुत ज्यादा गाढ़ा कोट नहीं कर रहा है। देखिए, पानी की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, पानी से थोड़ा सा गाढ़ा जिसको बोलते हैं, वो वाली कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। पीसते टाइम मैंने इसमें 1/4 कप जितना पानी का इस्तेमाल किया था, दाल और चावल दोनों को पीसने के लिए 1/4 कप पानी, और उसके बाद में आधा कप पानी का मैंने और इस्तेमाल किया। और देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी, इससे ना तो ज्यादा गाढ़ा और ना ही इससे ज्यादा पतला आपको घोल रखना है। अब यहाँ देखिए, इस तरीके की मैंने एक प्लेट ले ली है। मैंने ऐसी प्लेट इसलिए ली है क्योंकि ऐसी प्लेट्स अधिकतर सभी के घर में होती है। अगर इस तरह की प्लेट आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई प्लास्टिक का ढक्कन हो वो आप ले सकते हैं बड़े साइज का। यहाँ पर हम थोड़ा सा बैटर पोर करेंगे, और पोर करने से भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। बस इसको चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। और यहाँ पर देखिए, एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया। इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप गैस का बर्नर ले लें, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक प्लेट लगा देंगे। प्लेट को अच्छे से सेट कर दे, कहीं से भी ऊंचा नीचा ना हो, नहीं तो पापड़ फिर हमारा उसी तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम इसको एक थाली से ढक देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। हमें इसको लगभग 3 से 4 सेकंड के लिए स्टीम करना है, या फिर आप देख ले कि ऊपर से पापड़ अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, लगभग 4 सेकंड हो गए हैं, इसको हमने निकाल दिया है, और इसको हम ऊपर से हल्का सा छूकर देखते हैं तो एकदम ड्राई सा लग रहा है। तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है, इससे ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है। फ्लेम को लोअर करेंगे और इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे, और जितनी देर में हमारी ये स्टीम होती है उतनी देर में हम दूसरी प्लेट भी तैयार कर लेंगे, सेम उसी तरीके से ऑयल लगाकर और बैटर को फैला करके। तो सेम उसी तरीके से इसको भी हम स्टीम करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस पापड़ को निकालने से पहले पूरी तरीके से ठंडा करना जरूरी है। तो लगभग आधा एक सेकंड के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो पहले नाइफ से इसकी साइड्स को पहले रिलीज कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसको स्क्रैप करके पूरा निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर ले, और इसमें अच्छे से इसको धीरे धीरे निकाले, एकदम ठंडा करके निकाले। अगर गर्म होगा ना तो उसका निकालते टाइम इसका चिपक जाएगा, और उसके बाद में फिर ये फट जाएगा और टूटने का डर रहेगा। तो उसको ठंडा करके फिर निकाले, और ये देखिए कितनी आसानी से हमारा पापड़ निकल गया है। अगर आप लोग पापड़ बनाने के बाद आपका इस तरह से पापड़ चिपक रहा है, तो उसको पहले नाइफ से अच्छे से क्लीन कर लें, और उसके बाद ऑयल लगाएं, और फिर से इसके ऊपर बैटर फैला करके स्टीम करें। एक चीज और बता देती हूँ, अगर आप लोग प्लास्टिक के ढक्कन में बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से फिर वो निकल जाता है, बिल्कुल भी चिपकता उसमें नहीं है। स्टील की प्लेट होती है तो थोड़ी सी चिपक जाती है, कभी कभी चिपकने का डर रहता है, लेकिन अगर प्लास्टिक के ढक्कन में बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। लेकिन प्लास्टिक कभी कभी इस्तेमाल करना खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, इसलिए मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया है, स्टील की प्लेट में ही बना दिया। तो बस इसको ठंडा करेंगे और फिर निकाल करके रख लेंगे। तो सारे पापड़ हम इस तरह से बना करके सुखा लेंगे, और यहाँ पर हमने अपने सारे पापड़ सुखा लिए हैं। आप धूप में या पंखे की हवा में कैसे भी इसको सुखा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक पापड़ थोड़ा ग्रीन सा है, तो ये थोड़ा फूड कलर लग गया है, मैं उस टाइम फूड कलर का भी काम कर रही थी तो इसलिए ये फूड कलर इसमें लग गया है। तो पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं पापड़, मैंने इनको पंखे की हवा में ही सुखाया है। अब हम इसको फ्राई करके भी देख लेते हैं। तो ये जो पापड़ होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं फूलते हैं, लेकिन हाँ अच्छा, बहुत ही अच्छे लगते हैं, मसालेदार पापड़ होते हैं और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो बस मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे और ये देखिए बहुत ही मिनटों में ये फ्राई हो जाता है और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सबसे बड़ी बात, आप इस पापड़ को रोस्ट करके भी खा सकते हैं, रोस्ट करके भी ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फ्राई करके खाएंगे, अगर रोस्ट करके खाएंगे ना तो और भी ज़्यादा मसालेदार लगता है ये। दोनों ही चीज़ें, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इस तरीके से रोस्ट करके भी इसको खा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फ्राई करके खाएं। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों तरह के ही पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं, फ्राई करके भी और रोस्ट करके भी। तो मैं एक बार आपको पापड़ तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और मतलब ऐसा होता है कि खाने में इसको मज़ा आ जाता है, एकदम मसालेदार, बहुत ही टेस्ट लगता है। देखने में आपको लग रहा होगा कितना मसालेदार ये बना है। और ये देखिए जो पापड़ हमने रोस्ट किया था ना, ये वो है, बिल्कुल लगभग एक जैसा साइज इसका होता है, क्योंकि फ्राई करने पर भी बहुत ज़्यादा ये नहीं फूलता है और खाने में दोनों का ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको आज का ये तरीका कैसा लगा पापड़ बनाने का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और साथ ही में मेरे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दें आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।